उस बार अखिलेश का साथ देने तमाम छोटी पार्टियां गोलबंद होने का दावा कर रही हैं। एक तरफ आप एसपी के अखिलेश से सीट बंटवारे की रणनीति पर चर्चा जल्द होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सूत्रों का दावा है कि एसपी से जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम पर करार किया है। 22 का चुनावी रण बीजेपी वर्सेस ऑल का नजर आ रहा है। यूपी में सभी छोटी पार्टियां एसपी के साथ गोलबंद होती नजर आ रही हैं। अपना दल कृष्णा गुट के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे साझा करके मीटिंग करने जा रहे हैं। रैली करेंगे, संयुक्त रैली जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुई थी। संयुक्त रैलियां हम लोग की बहुत जल्दी अभी बनने जा रही है, एक दो दिन में ही हम लोग को बता दिया जाएगा। यूपी में सभी छोटे दल एसपी को अपना रणनीतिक साझेदार बता रहे हैं। इसमें एक दल का और नाम शामिल हो गया, आम आदमी पार्टी। रणनीतिक चर्चा हुई, एक राजनीतिक चर्चा हुई इस मुद्दे पर कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को कैसे हम लोग मिलकर हटा सकते हैं और हरा सकते हैं। चुनाव में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अब अगर शुरुआत करेंगे तो एंड कब करेंगे? जल्दी होगा, कोई निर्णय बताएंगे आपको। इससे पहले सोशल मीडिया पर एसपी प्रमुख अखिलेश और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात की तस्वीर सियासी हलके में हलचल मचा रही है। सूत्रों की माने तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम के पद की मांग की है। तो उसे साफ है कि दोनों लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं, इसमें बेचैन भाजपा है। तय है, हम मिलकर लड़ेंगे, दोनों अध्यक्षों की बात हो गई है और एक आध मीटिंग कोई होगी फाइनल करके और हम उसको डिक्लेयर करेंगे। जयंत के सहारे पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को साधने में अखिलेश जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को इस तालमेल पर भरोसा नहीं है। जनहित में तो घटनाक्रम बदलता रहता है, हो रहे हैं मुलाकात कल और किसी से हो जाएगी। 2014, 2017, 2019 में जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ था, लेकिन अब आरएलडी के साथ लौटता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में बीजेपी को इस गठबंधन की काट के लिए कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि आसान कतई नहीं है। वीणु सुफिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।